चौथा अध्याय चल रहा था उष्मा। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि जो उष्मा है या ताप है उसका मापन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि इंद्रियों की सहायता से। हमने देखा था कि हम किसी वस्तु को गर्म है या ठंडी है इसका पता लगाते हैं, परंतु यह भी पढ़ा था कि यदि वस्तु अधिक गर्म है तो हमारी त्वचा को जलने का भय रहता है। तो उसके अलावा हम ताप का मापन किस प्रकार से कर सकते हैं? हमने पढ़ा था डॉक्टरी थर्मामीटर है, उससे शरीर का ताप मापा जाता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम अपने शरीर का ताप मापन थर्मामीटर की सहायता से किस प्रकार से कर सकते हैं। जो थर्मामीटर है वो एक कांच की नली होती है, और इस कांच की नली के ऊपर एक बल्ब लगा रहता है, और इसका जो प्रेशर है थर्मामीटर का वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जिस तरह से हमारा स्केल होता है ठीक उसी तरह से यह तापमापी बनी होती है, और तापमापी के अंदर पारा भरा रहता है जो सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है। तो थर्मामीटर से ताप मापने के लिए उससे पूर्व यह जरूरी है कि इसको किसी एंटीसेप्टिक या जिसे हम बोलते हैं कुटीरोधी एंटीसेप्टिक की सहायता से इसकी जो नोब है, जो बल्ब नुमा आकृति है, उसको एंटीसेप्टिक में मिलाना चाहिए ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का जीवाणु या किसी प्रकार के संक्रमण का डर न रहे। उसके बाद में जो जीभ है उसके नीचे हम इसके बल्ब को रखेंगे। तो बल्ब को जैसे ही रखेंगे तो जो पारा है वो अपने निर्धारित स्थान से ऊपर जाने लगेगा, और सामान्यतः जो हमारे शरीर का मानव शरीर का तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, या फिर 98.6 डिग्री फारेनहाइट पर ही रहेगा। तापमान हमारे शरीर का 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं जाता है। तो जब डॉक्टर हमारे शरीर का तापमापन करता है तो वह यह देखता है कि यदि ताप का मान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो इसका मतलब हमें बुखार है, यानी कि शरीर का ताप अधिक हो चुका है। परंतु तापमापी से तापमापन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो तापमापी की नोब है, घुंडी है या बल्ब है, उसको एंटीसेप्टिक से धोना चाहिए। दूसरी बात, तापमापी है उसको बहुत अधिक गर्म पानी वगैरह के अंदर डुबाने से बचाना चाहिए, और इसकी जो घुंडी है उसको अत्यंत बचाना आवश्यक है, वरना तापमापी का जो घुंडी है ये टूट सकती है और पारा बाहर निकल सकता है, और जो पारा होता है वो बहुत ही विषैला पदार्थ है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से तापमापी से ताप मापते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की संभावना नहीं रहे। तो इस तरह से हम डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से शरीर का जो तापमान है उसका मापन आसानी से कर सकते हैं।